फाइव फूडीज कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोगों के घर में दाल बच जाती है, कोई बासी खाना भी नहीं चाहता और वो लोग सोचते हैं कि हम उस बची हुई दाल का क्या करें। उस बची हुई दाल से हम पराठे बनाएंगे जो बहुत सिंपल होते हैं बनाने में और बहुत टेस्टी होते हैं और सभी को बहुत पसंद आएंगे। आइए हम शुरू करते हैं बची हुई दाल का पराठा बनाना। पराठे बनाने के लिए मेरे पास एक कप बची हुई दाल है अरहड़ की, वो हम एक बोल में डालेंगे। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, एक पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इसको हम हाथ से ऐसे क्रश करके डालेंगे। नमक आधा छोटा चम्मच, क्योंकि दाल में हमारा पहले से भी नमक और मसाले पड़े हुए हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डालेंगे। इसमें हम पानी से दो को नहीं तैयार करेंगे, जितनी जरूरत होगी हम उतना आटा डालते जाएंगे। जैसे हम पराठे का आटा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही हम डो तैयार कर लेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम आटे दाल से ही आटे को गूंथेंगे। ये बन के पराठा बहुत टेस्टी तैयार होता है। देखिए, अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब हाथ में हम थोड़ा सा घी लेके आटे पे लगा के इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे, एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। अब इसकी हम लोइयां तोड़ लेंगे। वह सारी लोइयां तैयार है, अब इसको हम बेलेंगे। सूखा आटा लगा लेंगे, इसको थोड़ा सा बेलेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। इससे हमारे पराठे बहुत फोके बनेंगे। और इसको हम दबा के हल्के हाथ से पराठा बेल लेंगे। देखिए, हमारा पराठा बेल गया है। अब इसको हम सेक लेंगे एक तवे पे, थोड़ा सा घी लगा के हम उसको गरम करेंगे तवे को। अब हम पराठे को डालेंगे। अब उधर चित्ती आने पे हम इसको पलटेंगे। फिर ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं और पता ही नहीं चलता है कि ये दाल के पराठे हैं बची हुई। देखिए, चित्ती आ गई है। अब दूसरी साइड भी चित्ती आ गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। देखिए कितने अच्छा सिका है। और इधर भी हम घी लगा के पराठे बिल्कुल इसको धीमी आंच पे दबा के रगड़ के सेकेंगे, जिससे खूब करारे करारे हमारे पराठे बनके तैयार हो।
ये इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने बची हुई दाल से ये पराठे बनाए हैं। देखिए अब हमारे पराठे बिल्कुल सिक गए हैं दोस्तों, इसको गर्मा गर्म ही आप दही है, चटनी है, अचार है, किसी के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके संग तो सब्जी की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारे ये बची हुई दाल के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे आपको हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।